नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीएमबीयू प्रशासन की सख्ती का दिखा असर, लॉ परीक्षा के पहले ही दिन दर्जनों छात्र रहे अनुपस्थित, कुलपति ने किया औचक निरीक्षण। नौगछा में हथियार के बल पर अपराधियों ने बैंक कर्मी से की लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम और एसएसपी, समारोह को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ सर्वदलीय समिति ने दिया धरना, रोजगार देने के नाम पर वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। और समायोजन की मांग को लेकर कृषि अनुदेशकों ने किया भिक्षाटन, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अब खबरें विस्तार से। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे विवादित माने जाने वाली कानून की परीक्षा आज कदाचार मुक्त हुई। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर पिछले 4 साल से विश्वविद्यालय में खूब हंगामा होता रहा है, लेकिन इस बार टीएमबीयू प्रशासन की सख्ती के कारण सेंटर के अंदर या बाहर एक भी चिटपुर्जे नजर नहीं आए। वहीं बहुउद्देशीय प्रशाल में गुरुवार को लॉ की परीक्षा जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान परीक्षा ड्यूटी से कई शिक्षक गायब मिले, जिसके बाद कुलपति के तेवर काफी तल्ख हो गए। वीसी ने केंद्राधीक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी साह से परीक्षा ड्यूटी से गायब होने वाले शिक्षकों की सूची मांगी। बताया जा रहा है कि जो शिक्षक सेंटर नहीं आए थे, उन सभी को कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी शो कॉज करेंगे। इधर 3 और 5 वर्षीय लॉ की परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए ऑब्जर्वर प्रोफेसर केशकर ठाकुर, सहायक सीएस डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर केपी सिंह समेत 2 दर्जन से अधिक शिक्षकों को शिक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पूर्व टीएमबीयू के कॉलेज इंस्पेक्टर डॉक्टर सरोज रॉय भी लॉ परीक्षा का जायजा लेने परीक्षा केंद्र पहुंचे थे। वहां डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि कोई भी परीक्षार्थी अगर कदाचार करते पकड़ा जाता है तो उन्हें सीधे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कुलपति ने लॉ परीक्षा को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका पालन किया जा रहा है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित विधि त्रिवर्षीय और पंचवर्षीय पाठ्यक्रम 2020 की परीक्षा बहुउद्देशीय प्रशाल में चल रही है। प्रथम पाली में आज LLB सेमेस्टर 1 की त्रिवर्षीय परीक्षा स्टूडेंट्स की चल रही है। लगभग 400 विद्यार्थियों की परीक्षार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं। शांतिपूर्ण परीक्षा चल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन और परीक्षा केंद्र पर तैनात हमारे वीक्षक सभी मुस्तैदी से अपने ड्यूटी में तैनात हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में लेट से आने वाले कर्मी और शिक्षक पर विश्वविद्यालय प्रशासन की पैनी नजर है। अब लेट से विभाग आने और समय से पहले जाने की फिराक में रहने वाले लोगों पर कभी भी गाज गिर सकती है। कुछ ऐसा ही मामला गुरुवार को पीजी विभाग में दिखा। दरअसल प्रभारी कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने आज कई पीजी विभाग का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण क्रम में कुलपति इतिहास विभाग गए और अटेंडेंस रजिस्टर को देखा। इसके बाद विभागाध्यक्ष की जानकारी ली, लेकिन वह ड्यूटी से गायब मिले। कुलपति ने विभाग नहीं आने वाले कर्मी और शिक्षक की सूची मांगी। वही कुलपति समाजशास्त्र विभाग भी गए, जहां उन्होंने एक कर्मचारी को सोफे पर आराम करते देखा। ये देखते ही कुलपति डॉक्टर संजय कुमार चौधरी का पारा 7वें आसमान पर चला गया और उन्होंने कर्मचारी को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान कुलपति ने क्लासरूम टीचिंग का भी जायजा लिया। जानकारी के अनुसार कुलपति बिना सूचना के गायब रहने वाले शिक्षक और कर्मी पर कार्रवाई कर सकते हैं। नौगछिया स्माइलपुर थाना क्षेत्र के 14 नंबर सड़क पर 3 बाइक सवार अपराधियों ने एक बैंक कर्मी से हथियार के बल पर 1,73,000 रुपये लूट लिए। इसी को लेकर बैंककर्मी भागलपुर जिला के बरारी निवासी राजन राज ने घटना की सूचना स्माइलपुर पुलिस को दी। राजन राज ने बताया कि वह नौगछिया के विभिन्न गांव में रकम संग्रहण करके वापस भागलपुर जा रहा था, तभी छोटी परवत्ता गांव के पास एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 मास्क पहने अपराधियों ने उसका रास्ता रोक लिया और हथियार के बल पर उसका रुपए से भरा बैग भी छीन लिया, जिसके बाद इसकी सूचना स्माइलपुर पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही स्माइलपुर पुलिस ने अपराधियों के संभावित ठिकाने पर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को किसी प्रकार का भी सुराग हासिल नहीं हो सका। इधर पुलिस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है।
घटना हुई, हम पैसा एक कस्टमर से लेकर के जा रहे थे, तो गए तो जैसे हम जाने वाले थे जा करके आगे जाके वहाँ पे मतलब तीन लड़का था, एक अपाची गाड़ी व्हाइट कलर का था बिन नंबर का, तो हमको आया रिवॉल्वर दो को सटा दिया, बैग छीन लिया, टोटल पैरा कैश बैग में ही था। कितना पैसा था? 173,240 रुपया। गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया गुरुवार को कई अधिकारियों के साथ सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। डीएम ने समारोह की तैयारियां का जायजा लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिया। वहीं इस दौरान डीएम ने रिपब्लिक डे परेड रिहर्सल्स का निरीक्षण भी किया, जबकि ट्रेनी एएसपी भरत सोनी ने परेड का नेतृत्व करते हुए डीएम समेत सभी वरीय पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बता दें कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर सैंडिस कंपाउंड में जिला प्रशासन की ओर से मुख्य समारोह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोविड को लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। परेड का प्रैक्टिस चल रहा है, तो मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा तैयारी शुरू हुई है, तो प्रारंभिक दौर में ही हम लोगों ने तैयारी को देखा और 24th को फाइनल रिहर्सल होगा, उस दिन हम लोग उपस्थित रहेंगे। जहाँ तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की बात है, जो सैंडिस कंपाउंड का कार्य चल रहा है और हम लोग इसमें गति लाएंगे और जो टाइम लाइन है उसको मैं हम लोग उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत जहाँ जहाँ पे कमियाँ पाई गई हैं उसको सुधार करने हेतु सभी पदाधिकारीगण और कर्मीगण को निर्देश दिए गए। कहलगांव में आज सर्वदलीय समिति की तरफ से एनटीपीसी प्रबंधन के वादा खिलाफी को लेकर मुरकटिया चौक पर धरना दिया गया। मामले को लेकर समिति के सदस्यों ने बताया कि एनटीपीसी के आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में सीएसआर के तहत किए जाने वाले विकास कार्यों की अनदेखी किए जाने व भूमिहीनों को रोजगार देने के नाम पर सिर्फ झूठे वादे दिए जा रहे हैं, जिसे आम लोगों में एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ रोष व्याप्त है। बताते हैं एनटीपीसी के सिद्धार्थ द्वार से गंगानगर कहलगांव वे अनुमंडल कार्यालय होकर कहलगांव और सत्कार चौक से एनटीपीसी के एक नंबर गेट तक की सड़क इतनी बदहाल है कि इन सड़कों पर लोगों का चलना भी मुश्किल है। वहीं इन मांगों को लेकर पूर्व में ही कहलगांव अनुमंडल पदाधिकारी सुजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनटीपीसी प्रबंधन के साथ सर्वदलीय समिति की बैठक की जा चुकी है, जिसमें एनटीपीसी के आला अधिकारियों ने जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी कार्य एनटीपीसी के द्वारा नहीं किया गया। कृषि विभाग में समायोजन की मांग को लेकर विगत 17 दिनों से धरना पर बैठे कृषि अनुदेशकों ने गुरुवार को जेडीए कार्यालय समेत कई कार्यालयों में भिक्षाटन किया। संगठन के सचिव शशि कुमार ने कहा कि पिछले 17 दिनों से अपनी मांग को लेकर धरना और आंदोलन करने के बावजूद सरकार या विभाग की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिससे विवश होकर अनुदेशक विरोध स्वरूप भिक्षाटन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि कड़ाके की ठंड में अनुदेशक आंदोलन को विवश है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर काफी संख्या में कृषि अनुदेशक मौजूद थे। हम लोग दिनांक 5 जनवरी 2021 से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और कोई उच्चाधिकारी या पदाधिकारी अभी तक हम लोग की सूद लेने के लिए नहीं आई है, जबकि हमको 24 माह पहले यहाँ नियुक्ति हेतु समायोजन हेतु आदेश आ चुका है और रोस्टर का बहाना बनाकर रोस्टर का सब दिन जब जब आते हैं तब तब कहा जाता है कि आपको रोस्टर अनुमोदन नहीं होकर आया, तो रोस्टर अनुमोदन होकर नहीं आया तो हम लोग इसमें क्या गलती है? ये गलती तो सारी कार्यालय की है। जिले में चाइल्ड लाइन की टीम ने बीते बुधवार भटकी हुई 10 वर्षीय बच्ची को बरामद किया। टीम को बच्ची की सूचना संस्था के हेल्पलाइन नंबर 1098 पर मिली थी। सूचना पर टीम के सदस्यों ने बच्ची को भागलपुर के समाहरणालय परिसर से सुरक्षित बरामद किया। इस बीच मानवाधिकार की उपाध्यक्ष अमिता कौशिक की टीम ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें 6 बहन और 4 भाई में निशा तीसरे नंबर पर है, जिसे उसके पिता ने बीते 1 माह से बरारी थाना क्षेत्र के एक पुलिसकर्मी के घर काम के लिए छोड़ रखा था। वहीं निशा ने बताया कि उसे भूखा छोड़ कमरे में बंद कर मारा जाता था, जिससे डर के वह घर से भाग निकली। हालांकि बच्ची को जितनी जल्दी चाइल्ड लाइन ने सुरक्षित बरामद कर लिया उतनी ही जल्दी बच्ची को उसके गंतव्य तक पहुंचाना टेढ़ी खीर साबित हुआ। निशा के मुताबिक घटना तिलकामांझी थाना क्षेत्र का है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन की टीम के साथ मानवाधिकार की टीम भी तिलकामांझी पहुंची, लेकिन थाना के क्षेत्राधिकार को लेकर दोनों टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा,
जिसके कारण थक हार कर दोनों टीम एसएसपी से मिलने पहुंची, जहां एसएसपी निताशा गुड़िया की पहल पर महिला थानाध्यक्ष रीता कुमारी ने मानवीय संवेदना के आधार पर बच्ची से घंटों पूछताछ की और उसके घर वालों का पता निकाला। हालांकि मामले में चाइल्ड लाइन की ओर से बच्ची को सुरक्षित बाल कल्याण समिति के समक्ष सौंपने के लिए महिला थाना को लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन चाइल्ड लाइन और मानवाधिकार की टीम के 5 घंटे जद्दोजहद के बाद मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। अब देखना होगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का दावा करने वाले निशा के आरोप को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं। मैं मानवाधिकार से अमिता कौशिक हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और अभी हम लोग डीएम साहब से मिलने वहाँ पे पहुँचे थे उनके ऑफिस में। क्या पूरी टीम थे आप? हाँ, हमारे टीम के साथ मानवाधिकार के जो टीम है सारे थे साथ में। सब कोई जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखे, भीड़ देखने के बाद एक छोटी सी बच्ची नज़र पे आई, तो फिर जब हमने पूछा मीडिया वाले से क्या क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बताया एक छोटी बच्ची है, कहीं काम कर रही थी तो उसको घर से निकाल दिया गया है। जब उस बच्ची से मिले तो बच्ची से पता चला क्या उसके मम्मी पापा रखना नहीं चाहते हैं और घर से निकाल दिया गया है, और बच्ची किसी के यहाँ काम कर रही थी। अब वहाँ पे भी शायद 500 रुपये महीने पे रखा गया था, जो उसके पेरेंट्स आते थे महीने में पैसा उठा के चले जाते थे, और जाने के बाद बच्ची जहाँ काम कर रही थी वहाँ पे भी इसके साथ काफ़ी ख़राब बिहेव किया जा रहा था। बच्ची का जैसा कहना है कि मारना पीटना किया जा रहा था, तो इसीलिए वो ना स्वेटर पहनी थी ना कुछ, ठंड में बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम में थी। तो हम लोग सबको यहाँ आए, फिर इसको पहले V2 में आए, फिर आके इसको जैकेट दिलवाएं, फिर पहनाएं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको थाने में ले जा करके पहले थाना को खबर करेंगे कि बच्ची का ऐसा प्रॉब्लम है, फिर थाने से अगर वो लोग जाएंगे तो साथ में पेरेंट्स से मिलेंगे, इसके पेरेंट्स से, और पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है जो बच्ची को आप घर से निकाले। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भागलपुर यातायात पुलिस की ओर से लोहिया पुल पर जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान के तहत पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट लगाए लोगों को गुलाब फूल देकर ट्रैफिक नियम पालन करने को लेकर जागरूक किया। वही मारवाड़ी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष करण शर्मा ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक जिम्मेवार छात्र संगठन है और सड़क दुर्घटना से लोगों की सुरक्षा को लेकर जागरूक करने का कार्य कर रही है। जबकि प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे ने कहा कि यातायात पुलिस के साथ मिलकर एबीवीपी चरणबद्ध तरीके से शहर में जागरूकता अभियान चलाएगी। मौके पर यातायात प्रभारी रविंद्र महतो के अलावा कुश पांडे, विकास चौहान, अतुल अग्निहोत्री समेत परिषद के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिहार सरकार द्वारा तो अभी इसके तहत हम लोग यातायात पुलिस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आज सड़क सुरक्षा के लिए जो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, जो लोग सीट बेल्ट लगा कर नहीं रखे हुए हैं, उन लोगों से हम लोग गुलाब फूल देकर आग्रह कर रहे हैं कि उनके परिवार में, उनके घर में उनके सदस्य हैं, उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखें और अपनी भी सुरक्षा का ख्याल रखें और हेलमेट पहने। यह एक जागरूकता अभियान है ताकि लोग शहर में हेलमेट पहनकर चले और दुर्घटना की कमी हो। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में युवाओं ने केक काटकर उनका 35वां जन्मदिन मनाया। इस दौरान शहर के विभिन्न इलाकों से पहुंचे युवा कलाकारों ने केक काटकर सुशांत सिंह को याद किया और कहा कि भले ही आज सुशांत उनके साथ ना हो, लेकिन उनके द्वारा किए गए अभिनय और उनकी यादें हमेशा प्रेरणा देती रहेंगी। साथ ही कई कलाकारों ने अपने अपने तरीके से अपने चहेते अभिनेता को श्रद्धांजलि दी। वहीं लोधीपुर खुर्द के दिवाकर कुमार ने सुशांत की याद में बनाए गए रैप सॉन्ग की प्रस्तुति दी।
जिसकी लोगों ने खूब सराहना की। मौके पर मौजूद कलाकारों और युवाओं ने कहा कि सुशांत एक बेहतर कलाकार के साथ एक फाइटर इंसान थे और दुनिया से दूर जाकर भी वे हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आज सुशांत सिंह राजपूत भैया का जन्मदिन था तो हम लोग भागलपुर के युवा लोग मिलकर इनको श्रद्धांजलि दे रहे थे और इनका बर्थडे मना रहे थे। हम लोग भागलपुर के युवा आज सुशांत सिंह राजपूत के बर्थडे में शामिल हुए उनके लिए एक छोटे से ट्रिब्यूट देने के लिए। और बहुत ही दुखद बात है कि वो आज हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन स्टिल हम लोग उनको इतना आज मिस कर रहे थे तो हम लोग सोचे उनको एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया जाए हमारी तरफ से। इंस्पिरेशन तो बहुत कोई है जो भी मेन स्ट्रीम रैपर्स हैं और फिर बहुत खुश होते हैं इनकी जर्नी पे। इनके लिए जो सुशांत सिंह के लिए जो खेल कर रहे थे तो ये दो तीन दिन पहले बात आई कि इनका बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, तो बर्थडे सेलिब्रेशन होगा तो कुछ आप प्रिपेयर कीजिए, तो इसके लिए थोड़ा रिसर्च करने के बाद सॉन्ग प्रिपेयर करिए जो आप अभी सुने। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क हादसे पर नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग की ओर से हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस साल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाने का निर्देश दिया गया। इसी कड़ी में भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सोसाइटी अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पटेल बाबू रोड के पास सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया। इस दौरान अलग अलग कार्यक्रमों के साथ लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई, साथ ही सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को जल्द अस्पताल पहुंचाने की अपील की गई। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है कि सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वालों से पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है और ना ही उस पर कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, आज का कार्यक्रम है। हम लोग सड़क किनारे जो दुकानदार हैं, जो वाहन चालक हैं या कोई भी दुकानदार हैं, उनको हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सड़क दुर्घटना होने पर आप बेफिक्र होकर उसे मदद करें और पुलिस और प्रशासन से कोर्ट से आप नहीं डरें कि हमें कोई फेर में हम पड़ जाएंगे, पुलिस का चक्कर लग जाएगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब आ गया है प्रस्ताव कि अब कोई भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाता है, यदि उसे कुछ हो भी जाए तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है और अस्पताल में नहीं आपको रोकेगी और नहीं आपका नाम पूछना है कि आप क्यों लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। यदि आपको बताने का मन है तभी आप बताएं, नहीं तो आप अस्पताल पहुँचा के सीधे वापस आ सकते हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की कारगुजारियों से दर्जनों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में पड़ गया है। दरअसल मामला मुंगेर के RDNDJ कॉलेज का है, जहां के 40 से अधिक छात्र छात्रा फाइनल ईयर की परीक्षा में कम अंक देने का शिकायत और कॉपी की रीचेकिंग की मांग को लेकर परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह के पास आवेदन देने पहुंचे, लेकिन परीक्षा नियंत्रक ने रिजल्ट प्रकाशित हो जाने की बात कहकर आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया, जिसे छात्र छात्राओं को अपने भविष्य और साल बर्बाद होने की चिंता परेशान करने लगी। बता दें कि RDNDJ कॉलेज के मैथ ऑनर्स के दर्जनों छात्रों को मूल्यांकन में काफी कम अंक दिया गया है, जिसको लेकर छात्र पूर्ण मूल्यांकन की मांग कर रहे हैं। सर, हम लोगों का पार्ट थर्ड का सर एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट सर 18 तारीख को 9 बजे रात में आया था सर। तो इसमें सर सभी को सर पेपर 5 में 6 में बहुत कम अंक अर्जित कर दिया गया है सर, किसी को 10, किसी को 19, किसी को 17 सर बहुत कम अंक दे दिया गया है। और सर किसी किसी को सर दो सब्जेक्ट में फेल लगा दिया गया, किसी को 0 दे दिया गया है सर, किसी का किसी समस्या के साथ हम आए हैं सर यहाँ पर सर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में 2 लाख नगद मिलने की अफवाह के बाद मुंगेर जिला के तारापुर डाकघर में आवेदन भरने को लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ लग गई। सूत्रों के अनुसार लोगों को सरकार से 2 लाख रुपए दिलाने का लालच दिलाकर धोखेबाज 5 से 10 रुपए में फॉर्म बेच रहे हैं। वहीं से लेकर सरकारी एजेंसी PIB ने इस तरह की किसी भी स्कीम नहीं होने की बात कही और इस फॉर्म को फेक बताया। वहीं जब मीडिया द्वारा लाइन में लगी महिलाओं से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाँव में पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 8 वर्ष से 32 वर्ष की महिलाओं को 2 लाख रुपए सरकार दे रही है। मामले को लेकर तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत कुमार ने बताया कि ऐसे किसी भी तरह की कोई योजना की जानकारी उन्हें नहीं मिली है। साथ ही उन्होंने सभी प्रखंड पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वह अपने व अपने क्षेत्र के मुखिया को सूचित कर दे कि ऐसे कोई भी आवेदन को प्रमाणित ना करे।
वहीं उनके द्वारा यह भी बताया गया कि फॉर्म विक्रेता दुकानदार को चिन्हित कर उन पर कार्यवाही की जाएगी। टीटी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ इनकलाबी नौजवान सभा और आईसा की ओर से राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं नौगछिया के वैशाली चौक पर आईसा और इनोस के कार्यकर्ताओं ने सीएम नीतीश कुमार का पुतला फूंककर अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने नौजवानों पर लाठियां बरसाना बंद करने और रोजगार देने की नारेबाजी करते हुए सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही कहा कि रोजगार देने का वादा कर सत्ता में आई एनडीए सरकार अब रोजगार की मांग करने वालों पर लाठियां बरसा रही है। इसके अलावा नौगछिया वैशाली चौक के समक्ष नुक्कड़ सभा संबोधित करते हुए इनकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने कहा कि यदि अविलंब शिक्षक अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र देकर स्कूलों में योगदान नहीं करवाया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। टीएमबीयू प्रशासन की सख्ती का दिखा असर, लॉ परीक्षा के पहले ही दिन दर्जनों छात्र रहे अनुपस्थित, कुलपति ने किया औचक निरीक्षण। नौगछिया में हथियार के बल पर अपराधियों ने बैंक कर्मी से की लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम और एसएसपी, समारोह को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। एनटीपीसी प्रबंधन के खिलाफ सर्वदलीय समिति ने दिया धरना, रोजगार देने के नाम पर वादा खिलाफी करने का लगाया आरोप। और समायोजन की मांग को लेकर कृषि अनुदेशकों ने किया भिक्षाटन, कहा मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा आंदोलन। आज के बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।